सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रसिया यूक्रेन वार की, इसके सारे एस्पेक्ट्स की, क्यों ये आपको जानना चाहिए, क्यों ये आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ताकि आप जो भी ये समय चल रहा है आप इसको डीपली समझ सकें और आगे आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर सकें। आज के इस वीडियो का जो एक मेन जो पर्पज़ है, जो इंटेंशन है, वो है आपको एम्पावर करना, आपको सेफगार्ड करना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो भी वार हो रहा है, ये जो भी अभी दुनिया जिस भी टाइम से गुजर रही है, दुनिया का एक हिस्से पे जो भी हो रहा है, जो आज एक हिस्से पे हो रहा है वो कल स्प्रेड हो सकता है, उसका इम्पैक्ट और भी जगह आ सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, इन शॉर्ट ये जो सिचुएशन है, ये जो टेंशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये रशिया एंड यूक्रेन के बीच नहीं, ये रशिया एंड यूएसए की है। इस वार का जो मेन रीज़न है वो है यूएसए, या एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाटो बोलते हैं। नाटो के थ्रू यूएसए रशिया के पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उसको नाटो में शामिल करता है। जो भी नाटो में जो कंट्रीज़ आते हैं वहाँ पर फिर यूएसए की या नाटो की जो आर्मी है वहाँ जाती है, जिससे रसिया की पावर कम हो रही है, जिससे रसिया को अपने ऊपर थ्रेट्स दिख रहा है कि अगर जो यूएसए की आर्मी है, जो नाटो की आर्मी है, वो अगर रसिया के बॉर्डर्स पे आती है तो उसको रसिया पे अटैक करना इजी होता है। तो रसिया लॉन्ग टर्म में देख रहा है कि उसकी पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेके रसिया ने कई बार डिमांड किया है नाटो से, यूएसए से, कि और जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूक्रेन है आप उसको नाटो में शामिल मत कीजिए, जिसको यूएसए नहीं मान रहा है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। तो इस सिचुएशन में आके रसिया को उसकी पावर और ना घटे, उसके ऊपर इन्वेजन ना हो, उसकी पावर ना घटे, इस वजह से रसिया को यूक्रेन पे अटैक करना पड़ा। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यूएसए ऐसा कर क्यों रहा है। यूएसए ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी पावर और बढ़ानी है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसको अपनी पावर और बढ़ानी है, जो कि बहुत अच्छी फिलॉसफी और या आइडियोलॉजी नहीं है। तो अगर जैसे अगर अब यूएसए अपनी पावर बढ़ा सकता है तो रसिया अपनी पावर क्यों नहीं बढ़ाएगा, जो कि बहुत अच्छी थिंकिंग नहीं है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यूक्रेन फाइट क्यों कर रहा है। देखिए, जो यूक्रेन है वो इसको अपनी आइडेंटिटी का वो मान के चल रहा है कि नहीं, वो मतलब वो रसिया से अलग होना चाहता है, वहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेज आ गए हैं। जो यूक्रेन है उसको लग रहा है कि नहीं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ आना चाहता है, वहाँ पे वो ज़्यादा सेफ़ है। तो इस वजह से जो यूक्रेन है वो फाइट कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को वो क्लेम करना चाहता है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो एक फ्री नेशन है और वो अपनी डेस्टिनी, अपना फेट खुद चूज़ कर सकता है। तो जो दो बड़ी पावर के बीच में वो पिस रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि गलती किसकी है। तो अगर हम लोग सिचुएशन को बहुत क्लोजली समझते हैं तो बहुत सिंपल समझ में आता है कि ये जो सिचुएशन अराइज हो रहा है, ये रसिया अटैक करके गलत कर रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन अराइज़ हो रही है ये यूएसए की वजह से हो रही है, ये क्लियरली विजिबल हो रहा है, जो कि बहुत से लोग इसको खुल के बोलने को अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज की बात करेंगे। द मैसेज इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू हैंडल द सक्सेस और पावर। क्यों? बिकॉज दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर ग्रीडी। सो ऐसा कई बार होता है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को अटेन कर लेते हैं, पावर को अटेन कर लेते हैं, लेकिन वो डिसऑनेस्ट होने की वजह से, ग्रीडी होने की वजह से, वो उस पावर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उससे मतलब उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। उनके जो भी डिसीजंस होते हैं, जो कि अभी हो रहा है, जो कि रशिया एंड यूएसए में हो रहा है, तो जो कि इम्पैक्ट यूक्रेन के लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि ये सब जो भी सिचुएशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द लास्टिंग सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आता है एक लॉस्ट फिलॉसफी है इंडिया की, हिंदुइज्म की, जिसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसका हिंदी मतलब है, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली, पूरा विश्व मेरा परिवार है। सो देखिए, किसी न किसी कंट्री को, जो भी एक लीडरशिप वाली कंट्री है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग को समझना होगा कि मतलब ये जो भी कॉन्सेप्ट है, अपनी पावर बढ़ाना, अपने को स्ट्रांग करना, दूसरे को वीक करना, उसमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट और वार होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है कि वर्ल्ड को समझना पड़ेगा इस आइडियोलॉजी को, इस फिलॉसफी को, कि द वर्ल्ड इज़ माय फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है इसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है, इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, बस लोग ह्यूमैनिटी और इन चीज़ों की बातें करते हैं, जो कि कई बार
जिसमें कई बार जो जो रियल इशूज़ हैं, जो रियल बात है, हम लोग वो तो खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग एक ह्यूमैनिटी के नाम पे एक बेगिंग माइंडसेट में जाते हैं जो कि वर्क नहीं करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस सिचुएशन में इंडिया का रोल क्या है, इंडिया की सिचुएशन क्या है। देखिए, इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो है गुट निरपेक्ष की। वो कहता है कि हम आपके साथ भी नहीं है, हम आपके साथ भी नहीं है, आप लोग बातचीत करके सुलझा लो, वार मत करो। लेकिन अगर ये जो सिचुएशन है, अगर ये वार प्रोलॉन्ग करता है, अगर ये और खिंचता है, तो ये इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा समय तक रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ हैं वो क्लियरली बोलेंगी कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आपको उनके साथ मानेंगे। सो ऐसे प्रेशर बनने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है कि एक वीक कंट्री, एक वीक पर्सन कभी भी एक स्ट्रांग को एडवाइस नहीं कर सकता। जैसे इस सिचुएशन में अभी ज़्यादातर कंट्रीज़ रसिया को ब्लेम कर रही हैं क्योंकि रसिया अटैक कर रहा है, लेकिन बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो यूएसए को ब्लेम कर रहे हैं, या शायद कोई नहीं है जो यूएसए को ब्लेम कर रहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री को अपोज करता है, उसको ब्लेम करता है, तो वहाँ पे वो कंट्री उसको ऐसे ट्रीट करती है कि ठीक है ये हमारे दुश्मन देश में है, तो इसलिए वहाँ पे लोग मतलब जो भी फैक्ट्स है, ट्रुथ्स है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पे जो एक स्ट्रेंज फैक्ट है वो ये कि कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए को या नाटो को गाइड नहीं कर रहा है, एडवाइस नहीं कर रहा है कि वो गलत कर रहा है, उसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। सारे जो प्रेशर जा रहे हैं वो रशिया पे जा रहे हैं क्योंकि वो वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, वो गलत है, वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जो यूएसए कर रहा है जस्टिफाइड तो वो भी नहीं है। सो ये हमें समझने की ज़रूरत है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मे बी द फ्यूचर ऑफ दिस वार। देखिए, अगर ये वार प्रोलॉन्ग करता है, अगर ये एक कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता है, जैसे ये बढ़ रहा है, अगर ये वैसे बढ़ता जाता है, तो देर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये और भी कंट्रीज़ को अपने जैसे अपने आप अपने इसमें इंगेज करेगा और ये चीज़ें दुनिया के और हिस्से में स्प्रेड होने का चांसेस है। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन मीडिया की। इनफैक्ट इंडियन जो मीडिया है इस समय या काफ़ी टाइम से जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उनके बारे में तो बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग उसी न्यूज़ को देखते हैं क्योंकि वो चॉइस ज़्यादा होती नहीं है, तो इस वजह से उनकी थोड़ी सी बात करनी पड़ रही है। और वो बस थोड़ी सी बात यह है कि अगर वो काम अपना थोड़ा सा भी ठीक से करते तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना पड़ता। और जैसे कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो एक पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है, तो वो हमारी प्रेजेंट टाइम पे इंडियन मीडिया है। तो उसको हम लोग जितना अगर इग्नोर कर पाएँ, अवॉइड कर पाएँ, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर उसको इग्नोर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, तो आपके जो भी थिंकिंग स्टैंडर्ड है उसको बहुत डिग्रेड कर रहा है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि वाई दिस वार मैटर टू अस, क्यों हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो द फर्स्ट मैसेज इज एवरी बिग इंसिडेंट गिव रेफरेंस टू अनदर बिग इंसिडेंट्स। जब भी हमारी दुनिया में, समाज में कोई भी एक इंसिडेंट होता है, तो और वो नए इंसिडेंट के लिए वो रेफरेंस पॉइंट का वर्क करता है। बहुत से लोगों के माइंड में, कंट्रीज़ के माइंड में, वो एक सीड आइडिया का वर्क करता है जो कि अनकॉन्शियसली एक तरीके से पुश करता है, बूस्ट करता है कि वो उसके रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव बात है। सेकेंड, दिस हैज़ ब्रोकन द मिथ दैट कि दुनिया में कोई इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में कोई सुपर पावरफुल कंट्री है जो कि इंश्योर कर सकता है कि दो कंट्रीज आपस में फाइट न करें। इस तरह के जो मिथ थे वो टूट चुके हैं। एंड द थर्ड फैक्टर इज़ कि ये जो भी हो रहा है इसके बाद चांसेस हैं कि जो पावर शिफ्ट होगी तो वो आगे आने वाले जो कंट्रीज़ के जो फ्यूचर हैं, आगे जो भी फ्यूचर है उस पर उसका इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। द नेक्स्ट मैसेज इज़ एक क्लोज्ड आई के साथ जीना, अपनी आंख बंद कर लेना, ये सोचना कि चलो वो तो उस कंट्री में हो रहा है, हमें क्या लेना देना, और अपने लीडर्स पे 100% ट्रस्ट करना, ये एक वीक स्ट्रेटजी हो सकती है, जो अभी अफगानिस्तान के साथ कुछ टाइम पहले हुआ। उनका जो लीडर था उसने सरेंडर किया, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी कुछ हुआ, तो ये एक वीक स्ट्रेटजी है कि हम लोग जो भी हो रहा है उसको नज़रअंदाज करें, हम सोचें कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट है, लीडर्स हैं, वो देख लेंगे। सो ये वीक स्ट्रेटजी साबित हुई है अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी, और अभी
यूक्रेन के लोगों के लिए भी। तो ये हमें वहाँ से एक सीख लेने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें हर एक सिचुएशन के लिए। हमें अब पहले से ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें अब पहले से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जो भी हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, जो भी हम लोग मीडिया देखते हैं, जो भी हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, जो भी हम लोग सोर्स ऑफ न्यूज़ सुनते हैं, उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने आप को ज़्यादा रेडी एंड प्रिपेयर्ड रख सकें किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। कोई भी बड़ी जैसे कुछ कोई भी बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, और हो सकता है कि जब वो इंसिडेंट हो तो हम उसके लिए तैयार ही ना हो, जैसा कि अभी अफगानिस्तान और हमने यहाँ पे यूक्रेन पे देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो भी हो रहा है इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, एज ए कॉमन मैन, एज ए इंडिविजुअल हमें क्या सीख लेनी चाहिए, जो भी लीडर्स हैं उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए, अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट मैसेज इज़ फाइट ऑन योर ओन शोल्डर्स। या कभी भी अगर फाइट का डिसीजन लेना है किसी भी कंट्री के साथ, तो आप किसी और कंट्रीज पर रिलाई मत कीजिए कि कोई कंट्री आपके साथ होगी। जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ हुआ, यूक्रेन को लगा था कि इस वार में उसके साथ यूएसए है, नाटो है, सब उसका उसको आर्मी सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब वो एक्चुअली जब वार में गया तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज सबने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि उसको पैसिवली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको लगा था कि वो उसके साथ ये कंट्रीज होंगी तो वो बहुत आसानी से रसिया पे प्रेशर बना पाएगा, जो कि नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो यूक्रेन है उसको बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है। द सेकेंड मैसेज इज़ कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। जो भी होने वाला होता है उसकी झलक पहले से आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हो रहा है इसकी झलक पिछले काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन फिर भी जो भी वहाँ के जो लोग थे या जो भी उसके जो मेजर्स लेने थे, अपने आप को अवेयर करना, अलर्ट करना, प्रोएक्टिव होना, वो वहाँ के लोग उतना शायद एफिशिएंटली नहीं कर पाए। एंड थर्ड मैसेज इज़ अवेयरनेस एंड एक्शन इज़ द बेस्ट वेपन्स। तो जैसे कोई भी चीज़ होने वाली होती है, अगर हम लोग पहले से उस पर नज़र बनाए रखें, हम लोग अवेयर रहें और राइट टाइम पे अगर राइट एक्शन लें, तो हम लोग बहुत से डैमेजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज। एंड द लास्ट मैसेज, फूल्स एंड सीनर्स लूजेस ऑल दे हैव। जितने भी फूल्स होते हैं और जितने भी सीनर्स होते हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी में दुख लाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, अल्टीमेटली उनके पास जो भी होता है ना, जो भी नेम, फेम, पावर, वो सब कुछ लूज़ कर जाते हैं। जिसका कुछ एग्जांपल है, चाहे हिटलर हुए, बहुत से इंडियन पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन्होंने मतलब सोसाइटी के ऊपर जो भी है, खैर बहुत से इंडियन पॉलिटिशियंस भी रहे हैं जिनका एक बहुत अच्छा वो नहीं रहा है, और जिसकी वजह से उनको भी उसका नुकसान भुगतना पड़ा है। अब एक मैसेज के साथ आज का ये जो वीडियो, इसको मैं कंक्लूड करूँगा कि जो भी हम लोग की लाइफ की बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग की सोसाइटी की जो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंट्रीज़ की जो बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है पावर ऑफ ऑनेस्टी से एंड पावर ऑफ सिंप्लिसिटी से। अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल होके, अगर हम लोग चीज़ों को क्लियरली ऑब्जर्व करें और सच बोलना शुरू कर दें कि नहीं, यहाँ पे इसकी गलती है, वहाँ पे उसकी गलती है, राइट इंटेंशन के साथ, तो बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर हम लोग इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो अभी दो कंट्री के लोग फेस कर रहे हैं। ये आगे कहाँ तक जाएगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना ये टाइम प्रोलॉन्ग होता जाएगा उतना पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वार शुरू कहाँ से होता है और वो चीज़ कहाँ से कहाँ जाती है, उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। सो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।